एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स। बेटा ये क्वेश्चन दिया गया आपको, ठीक है जी, एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है जी, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है यहां पे कि क्या आने वाली है या सॉल्व करके क्या आने वाला है। ठीक है बेटा, तू कहां घूमने गई थी? नानी हाउस है, बहुत सारे बच्चे आते थे, वो कहते थे, मैंने कहा था बेटा नानी हाउस, मैंने कहा नानी हाउस। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, यस लुक एट इट बेटा, लिमिट बेहतर है मैं जीरो रख दूं बेटा ऊपर, और नीचे रूट ए माइनस रूट ए ऑल्सो जीरो, तो क्या बन गया ये जीरो पॉइंट जीरो बन गया। ठीक है जी, तो ये तो नहीं होगा। अब अलजेब्रा के क्वेश्चन में क्या क्या बताया था आपको यूज करने के लिए, फैक्टराइज रेशनलाइज, तो यहां आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में क्या जी रूट है, तो यहां पे रेशनलाइज करेंगे। डू इट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्स अपॉन रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स इंटू रूट ए प्लस एक्स, साइन चेंज होगा जी, रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए प्लस एक्स रूट ए माइनस एक्स। क्लियर बेटा, सामने देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, बहुत ध्यान से देखना सामने, एक्स इंटू अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो माइनस माइनस हो जाएगा जी प्लस, ए से ए कैंसिल हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ऊपर कितना है जी एक्स रूट ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, एक्स प्लस एक्स 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 कैंसिल हो गया, अब ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, रूट ए आ गया। वेरी गुड बेटा, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, इस बच्चे का रूट ए आया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, अगर मैं यहां जीरो रखूं और यहां जीरो रखूं, इट कम्स रूट ए रूट ए, कितना हो गया टू रूट ए अपॉन टू, कैंसिल कर दिया, आंसर कितना आ गया जी रूट ए, डन। अब तू समझ रहा, अगर एक बच्चे को दिशा सही मिल जाए तो दो चार दिन के अंदर वो कितना बढ़िया फ्लो पकड़ सकता है, ये सब आपके गाइडेंस और दिशा के ऊपर है, समझो इस बात को, हंस रहे हो है कि नहीं है, वो बात अलग है, अगर आप प्रैक्टिस ही ना करें तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक मैथ का ना सिंपल सा फंडा है, जो ये जनरेशन जो आपकी आई है भूल गई है, मतलब ये जो तीन चार साल से जो बैच आ रहा है कोविड के बाद ये भूल गया, तो फंडा ये हुआ करता था कि मैथ्स में एक दिन में 30 क्वेश्चन करने हैं, और अगर एक दिन में 30 नहीं हुए तो अगले दिन 60, तब कहीं ना कहीं आप यार 20-30 क्वेश्चन करने के बाद तो गणित समझ में आना शुरू होता है ना, थोड़ी वाइब आती है कि हम पढ़ रहे हैं, 5-7 क्वेश्चन तक तो मतलब कुछ भी पता नहीं लगता, जब तक आपको 1.5-2 घंटा पढ़ते हुए ना हो मैथ आपको पता ही लगेगा। एक स्टूडेंट था मेरा, क्या नाम था इसका पता नहीं, आदित्य था कि क्या नाम था उसका, बनिया बच्चा था, बहुत मेहनती बच्चा था, बहुत पढ़ता था। अरे सबको छोड़ो, ये भाटिया जी बैठे हमारे, इसका बड़ा भाई भाटिया जी का, he was in class 10th and I'll give the question, I think मैंने होमवर्क में 80-85 क्वेश्चंस दे दिए थे या 100 क्वेश्चन, मैंने एक ही दिन में दे दिया था कि 100 क्वेश्चन कल खींच के लेके आना, ऐसे ऐसे बच्चे होते थे पहले कि 100 दे दिया भाई साहब, अगले दिन 100 हो रहे हैं। उस बच्चे की मम्मी का कॉल आया, सर ये 40-45-50 क्वेश्चन तो कर लिए, बाकी कल दिखा दे, ये खाना नहीं खा रहा। और एक आप लोग हो रखे आजकल, बाकी सारे काम पहले होंगे, अरे होते रहेंगे क्वेश्चन, क्या कह रहा है वो, सुनता कौन है इसकी। चलिए सामने देखिए, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5
बेटा फटाफट सॉल्व करो उसको। लिमिट एक्सटेंडिंग टू फोर, एक्सटेंडिंग टू फोर है बेटा, लिमिट को सब्स्टिट्यूट करो। राणा जी आप रोज लेट कैसे आ रहे हो बेटा? तू एक काम कर, या तो ले एक लेडी बर्ड साइकिल आती है, या फिर ले बैटरी वाली एक्टिवा। तो फिर तुझे एक्टिवा नहीं चलाना अब तक? नहीं सीखो बेटा, आजकल तो बच्चे 12th पास करके देखो दिल्ली जाओ मेट्रो में लड़कियां खड़ी रहती हैं ऐसे करके, देखा नहीं तुमने? ऐसे खड़ी रहती हैं, ऐसे मेट्रो चलती है जब, देखा करो इतनी बड़ी होती हैं वो। थोड़ा नीचे है भाई मेरे से, ठीक है? तो इतनी बड़ी होती हैं, और वो मेट्रो में, क्योंकि मेट्रो में जीपीएस सेट होता है, मतलब सब ऑटोमेटिक है कहां पे का। तो बच्चे ट्रेन चला रहे हैं, पायलट चला रहे हैं यार, अब तुम एक्टिवा एक्टिवा सीखो चलाना। यस हाँ हाँ मतलब बेटी कंट्रोल तो कर रही है, एरोप्लेन तो चलाती है। अरे सर वो न्यू दिल्ली में का, आपने कहा था मेट्रो में खड़ी है, फिर आपने कहा मेट्रो चला। बस भाई क्या समझाऊं तुम्हें, चलो बेटा रेशनलाइज कर लो, छोड़ो सब। दस आ रहा है भाई, उस बच्चे का 10 आ गया, बहुत बढ़िया। लिमिट एक्स टेंड्स टू फोर, यस लुक एट हियर बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 अपॉन ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4, बेटे बहुत ध्यान से देखिए ऊपर क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5। देखो ये कितना आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये हो गया जी कैंसिल। लिमिट रख दो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, रूट से बाहर आया 5 प्लस 5। नेक्स्ट लिखो जी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए अरे भाई शिवांश बेटा ये क्वेश्चन अगर आपने कर दिया तो हम समझेंगे तुम बढ़िया कर रहे हो। चलो बेटा क्वेश्चन बढ़िया है, ब्रांडेड। चलो जी आपको दिया जाता है 2 से 4 मिनट का समय, पहले सॉल्व करके दिखाइए कि कितना आप लोग इसमें कर सकते हैं। कमल वाडिया जी लेट्स स्टार्ट, ध्यान से देखिए जी। सबसे पहले तो डेफिनेटली जैसे मैं यहां पर लिमिट पुट करूंगा ए, इट बिकम्स 0 अपॉन 0, ठीक है जी। आपको ये पूरा शो करके दिखाना है, अगर 5 नंबर का सवाल है या 6 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 1 नंबर इसका है इस पे मार्किंग में, ठीक है जी, अगर आपके टीचर की इच्छा करी तो। हाँ जी भाई ये क्वेश्चन इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज तक आपने जो रेशनलाइजेशन प्रोसेस करा है या तो वो डिनोमिनेटर से करा है न्यूमिनेटर में, मतलब नीचे से ऊपर, या ऊपर से नीचे करा है। इस सवाल में ऊपर से भी रेशनलाइज होगा और नीचे से भी रेशनलाइज होगा, समझो। रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट 2। अब बहुत ध्यान से देखियो, मैंने मल्टीप्लाई करा पहले नीचे से ऊपर, रूट 3a प्लस x माइनस 2 रूट x। वेट देखो जरा ये कौन चंद्रमा है, देखिए जी ये मैंने क्या कर दिया, ऊपर रेशनलाइज करा बेटा। इसको ऐसे लिखना आपके लिए इजी पड़ेगा, ऊपर का हाँ जी साइन चेंज, और यहां भी लिखो प्लस 2 रूट एक्स, हो गया। अब इसको ऊपर से नीचे रेशनलाइज कर, नीचे से भी मल्टीप्लाई कर इसमें क्या, वेट थोड़ा सा हमने जो है जो मैं करना चाह रहा था वो गड़बड़ हो गया। अरे चैचा चैचा वाली कोई बात नहीं बेटा, ध्यान से देखो पहले ऊपर से करते हैं, रूट ए प्लस 2x माइनस रूट 3x इंटू, नीचे भी कर दो उसको, चमका
अब इसको करो रेशनलाइज। ले बेटा और इसको ऊपर भी करो, प्लस टू रूट एक्स। ये समझ में आया ना मैंने ऐसा क्यों करा आगे पीछे करके अरेंजमेंट? क्योंकि नाउ इट्स बिकम द आइडेंटिटी फॉर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दिस इज आल्सो बिकम्स एन आइडेंटिटी। अब ध्यान से देखो जी, ऊपर कितना बन गया बेटा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर रूट हटेगा माइनस बी स्क्वायर, नीचे कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4x, ये बच गया बेटा एज इट इज। बहुत ध्यान से देखिए, रूट थ्री ए प्लस एक्स प्लस टू रूट एक्स अपॉन रूट ए प्लस थ्री एक्स प्लस रूट थ्री एक्स। कहा बेटा कहां पे 2x आएगा 3x की जगह? अच्छा 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 हाँ 2x। अब देखो जी ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a कितना आ गया a माइनस एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा 3a माइनस 3x। एक काम करूं 3 कॉमन निकाल लो तो ये बचा, अंदर क्या जी यहां पर रूट थ्री ए प्लस एक्स प्लस टू रूट एक्स अपॉन रूट ए प्लस टू एक्स प्लस रूट थ्री एक्स। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये कैंसिल हो गया, अब तुम लिमिट रख दो, ए रखो यहां, जैसे ए रखेंगे रूट थ्री ए प्लस ए कितना हो गया फोर रूट ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, नीचे क्या बचा है जी वन बाय थ्री, रखो लिमिट, ये कितना आ जाएगा टू रूट ए, जैसे लिमिट रखेंगे ये भी कितना आ गया टू रूट ए, नीचे कितना बचेगा रूट ए, रूट ए कितना आ गया रूट थ्री ए, और यहां भी कितना आ गया जी रूट थ्री ए। अब ऊपर कितना आया बेटा फोर रूट ए, और नीचे कितना आ गया टू रूट थ्री ए। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, क्या रूट थ्री अगर पूरे ही रूट में है तो क्या इसको अलग से लिख दूं रूट थ्री इंटू रूट ए, ये कैंसिल हो जाएगा ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया ऊपर टू नीचे थ्री रूट थ्री रिक्वायर्ड आंसर। कॉपी करिए फटाफट से। चलिए जी ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। सबसे पहले अपना दिमाग लगाते हुए आपने ऊपर से रूट एक्स को कॉमन निकालना है, क्या करना है ऊपर से रूट एक्स को कॉमन निकालना है, तो आप ध्यान से देखो पहले तो वन रख दो, जैसे ही वन रखेंगे कितना आएगा, ये तो सभी ने कर लिया होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द कॉमन रूट एक्स। अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत दिमाग हो समझ लो, अगर ये एक्स स्क्वायर है तो क्या मैं एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूं एक्स इंटू एक्स, क्या मैं सिर्फ एक्स को लिख सकता हूं रूट एक्स इंटू रूट एक्स। अगर मैं इसको देखूं तो इसकी पावर कितनी है ये वन बाय टू और इसकी पावर वन, बेस सेम पावर है तो कितना आ गया रूट एक्स इंटू थ्री बाय टू। तो जैसे मैं एक्स स्क्वायर में से रूट एक्स लूंगा तो अंदर क्या बचेगा एक्स की पावर थ्री बाय टू माइनस वन अपॉन रूट एक्स माइनस वन। चमका, अब यहां पर लगाएंगे जी अपना छेनी रूल, ठीक है क्या लगाएंगे जी छेनी रूल। तो जैसे हम लोग छेनी रूल लगाएंगे बेटा, इट कम्स रूट एक्स रेस टू द पावर थ्री बाय टू इंटू, बहुत ध्यान से देखना ये छेनी लगते ही आगे शिफ्ट हो जाएगा रूट एक्स माइनस वन। क्या मैं काम कर सकता हूं मैं इस रूट को लिख दू पावर में वन बाय टू, अगर मैं अपने आप से इसको एक्स माइनस वन से डिवाइड कर दू और x माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब आपको दिख गया होगा कि क्या बन रहा है। नहीं दिख रहा पाटिया जी तो फिर से देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू वन, ये तो आ गया रूट एक्स कोएफिशिएंट जानने, x की पावर में कितना है थ्री बाय टू, अगर मैं वन की पावर में थ्री बाय टू लिख दूं कोई दिक्कत वन ही रहेगा अपॉन x माइनस वन,
इनटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन। मैंने बताया था लिमिट क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, जैसे यहां लगाई इनटू, अब इसके आगे लिमिट लगा के दिखानी है, वन अपॉन एक्स की पावर वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। मैं इसको नीचे ले आया, अब इजी रहेगा थ्री थ्री रूल लगाने में। ध्यान से देखो, ये तो सिंपल हो जाएगा। अब आप यहां पे डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें तो लिमिट रख देंगे, रूट वन क्या होगा, वन हटा दो, ये कितना हो गया थ्री बाय टू, नीचे उतर जाएगा, वन की पावर में क्या होगा थ्री बाय टू माइनस वन। ये थ्री थ्री रूल है भाई, एक्स की पावर में एन माइनस ए रेस टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, कितना होता था एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन इंटू वन अपॉन, इसमें भी लिख लो वन अपॉन टू, ये वन अपॉन टू तो आगे आ गया, और वन की पावर में वन अपॉन टू माइनस। अब बहुत ध्यान से देखो, वन की पावर में कुछ भी हो क्या रहेगा, वन ही रहेगा, और यहां भी वन की पावर में कुछ भी हो क्या रहेगा, वन ही रहेगा, टू से टू कैंसिल, आंसर कितना आ गया थ्री। चमका छापो, नहीं चमका कहां से, ये कहां से आ गया, इसके बाद ये क्या हुआ, तो कॉपी कर रहे थे ना, इसीलिए ये नीचे चला गया। कैसे, अगर टू अपॉन थ्री है तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता वन अपॉन थ्री अपॉन टू, ठीक है जी, इसलिए थोड़ा फोकस बनाइए सामने जब मैं कॉपी करता हूं। हाँ, हमें कैसे पता चलेगा, ये बड़ा गंदा तो क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि हमें कैसे पता चलेगा भाई, नहीं क्वेश्चन तो ट्राई कर इतना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा थ्री थ्री रूल क्या है, जब एक्स की पावर में माइनस वन की पावर में अपॉन एक्स माइनस वन हो, तो मैं इसलिए नीचे ले आने, तुम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो थ्री थ्री, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, इसके बाद ये क्या हुआ बेटे, वन की पावर में तो मैंने ये लगा दिया थ्री बाय टू, ये थ्री थ्री रूल नहीं बन गया क्या, जो आगे एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, जो आगे वही नीचे वही पीछे, क्या बन जाता था एन इंटू ए की पावर, ये आज मैं कितनी बार बता चुका है, और ध्यान रखना अगर टेस्ट में ये गलतियां हुई ना तो बेटा गर्दने घुमा दूंगा। अच्छा चलिए बेटा, सामने देखिए, सबसे पहले टू रखेंगे तो कितना आएगा जी, जीरो बाय जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, एक्स रेस टू द पावर टेन माइनस टू रेस टू द पावर टेन, यहां लगा देना है बेटा, इसको शिफ्ट कर देंगे, एक्स रेस टू द पावर फाइव टू रेस टू द पावर फाइव, इसको डिवाइड करेंगे x माइनस टू से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस टू से, यहां क्या यूज हो गया थ्री थ्री रूल, टेन टू की पावर नाइन इंटू फाइव टू की पावर फोर, फाइव वनजा फाइव टूजा, अब देखिए बेस आर सेम क्लास नाइन एक्सपोनेंट, टू की पावर नाइन माइनस फोर इट मीन्स टू रेस टू द पावर फाइव, 2 into 32 आंसर कितना आ गया 64। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डू इट फास्ट, एक नंबर बढ़िया क्वेश्चन था, कहां गया, यस लिखिए, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस ए, x रेस टू द पावर 9 माइनस ए रेस टू द पावर 9 अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, डू इट। चलिए बेटा देखिए ध्यान से, देखो जी थ्री थ्री रूल का पहला फॉर्म मैंने आपको क्या बताया, जो आगे वही नीचे वही पीछे, भाई आगे क्या है ए है, नीचे क्या है ए, पीछे क्या है माइनस ए, ये फर्क आ गया, तो यहां मुझे माइनस चाहिए, मैं तभी इंप्लीमेंट कर सकता हूं अपना रूल जो है, तो मैं क्या करने वाला हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस ए, मैं यहां पर लिखूंगा एक्स की पावर नाइन माइनस ए की पावर नाइन प्लस माइनस वन आ जैसे आंसर। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, एक मिनट देख लीजिए, क्या मैं इस प्लस को लिख दूं माइनस इंटू माइनस ए की पावर नाइन, भाई ऑड पावर है, नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
अपॉन नीचे भी यही करूंगा x माइनस माइनस ए चमका इक्वल टू क्या है 9। अब बहुत ध्यान से देख अब हो गया तेरा सॉल्यूशन एकदम क्लियर। अब क्या होगा बेटा 9 आगे माइनस ए की पावर 8 इक्वल्स टू 9 9 से 9 कैंसिल। अब इसकी पावर इवन है इवन है तो पावर क्या हो जाएगी ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव उधर कितना आया 1 और ये पावर में 8। अब ये 8 क्या है जी जब उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा a की पावर प्लस माइनस 1। कारण ये अगर आप a की जगह 1 रखें तो भी 1 आएगा लेकिन अगर आप a की यहां पर माइनस 1 रखते हैं तो भी इवन पावर के कारण क्या आएगा जी 1 ही आएगा। तो a की दो वैल्यूज हो सकती है 1 भी और माइनस 1 भी। चमका छापो ये अपने आप करा हमने ये प्लस था ना तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। सवाल ये कि करा क्यों करा इसलिए क्योंकि यहां पर देखो माइनस ही है तो जरूरी है यहां पर भी क्या होना चाहिए माइनस ही होना चाहिए तभी लगा सकते हैं आप 3-3 रूल समझे लिमिट सेम होनी चाहिए वही तो 3-3 नाम क्यों दिया जो आगे वही नीचे वही पीछे समझे ये सेम होना चाहिए तभी इंप्लीमेंट होगा रूल ये क्लियर ऑल आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे कॉपी इट फास्ट।